तो अंग्रेजों ने भारत में एक नियम लगाया कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बनाएगा और ना ही नमक बेचेगा। अगर वह बनाते हुए पकड़े गया या नमक बेचते हुए पकड़े गया तो उस पर क्या होगा, मुकदमा होगा। ठीक है, उस पर मुकदमा होगा और उसको जेल जाना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब बताइए, समुद्र हमारा है, पानी हमारा है, धरती हमारी है, समुद्र से पानी लेना है, धरती पे बिछाना है, रखना है, उसको सूखेगा तो नमक बनेगा। तो नमक जब हमारा बना सकते हैं तो अंग्रेज क्यों, अंग्रेज इसलिए दिमाग लगाया था कि नमक के बिना तो कोई जिंदा रहेगा नहीं, बिना नमक के स्वाद होगा नहीं। नमक हर घर में जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको नमक की आवश्यकता है, नमक सब खाना चाहता है। तो क्यों ना नमक पे ही पाबंदी लगा देते हैं, नमक हमसे लोग खरीदेगा तो पैसा मेरे पास आएगा तो आमदनी बढ़ेगी तो हम ज्यादा राज करेंगे, ज्यादा शोषण करेंगे। ये दिमाग कौन लगाया, अंग्रेज लगा लिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरा भारत अंग्रेजों के, मतलब क्यों कह लीजिए कि चुंगल में फंस चुका था, इस कदर कि अब इससे निकलना बड़ा, ठीक है ना, नमक के बिना आप रह नहीं सकते हैं, और नमक बनाने जाइएगा तो जेल में डाल देगा, नमक खरीदने जाइएगा तो मुंह मांगा रकम लेगा आपका, नमक एक रुपया का है लेगा 10 रुपया, यूं समझ लीजिए अभी के हिसाब से कि नमक आपका 10 रुपये किलो है, वो कहेगा 50 रुपये किलो लगेगा, तो आपको तो लेना तो है भाई, अब भले आधे किलो लीजिए, 250 ग्राम लीजिए, मान लीजिएगा तो सही, बिना नमक के घर जाइएगा तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, बिना मिठाई के जाइए चलेगा ना, बिना नमक के जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्या दिन रहिएगा बिना नमक के बताइए, मर जाइएगा। अब नमक खा के नहीं देखिए लगता कैसा लगेगा, जिंदगी पूरा सुनाल हो जाएगा, अब एक बिना नमक नहीं खाई लगेगा कि पूरा कुछ आइए जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, नमक कुछ स्वाद है कि लगता है कि घास फूस खा रहे हैं क्या। तो अब समझ गया कि भैया इसको जो है ना प्रताड़ित करने का उपाय यही है कि नमक पे ही कानून लगा दो। तो गांधी जी क्या किए, 12 मार्च 1930 को अपने आश्रम से निकलकर दांडी नामक स्थान पर जाते हैं, जहाँ पे समुद्र का किनारा है, गुजरात में दांडी नामक स्थान है जहाँ पे समुद्र का किनारा है, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ पे जाके समुद्र से नमक को बनाते हैं और मुट्ठी में नमक लेकर कसम खाते हैं कि मैं इस अंग्रेजी नियम का विरोध करता हूँ, मैं उस इसका मैं आज से मैं इस नमक कानून को तोड़ता हूँ। और नमक कानून उन्होंने तोड़ा था, नमक कानून आपके नमक कानून लेकर तोड़ना कौन बड़ी बात है, कोनो आदमी लेकर कहता कि नमक कानून तोड़ दिया, नहीं अकेले थोड़ी ना गए थे, पूरा भारत के लोग 78 अनुयायी थे तो उधर बात है, पूरे भारत के लोग उनके पीछे पीछे गए थे, पूरे भारत के लोग की बात थी यहाँ पे, पूरे जनता की बात थी यहाँ पे। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेज, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा तौर पे अंग्रेज से खिलाफ करना, अंग्रेज को सीधा चुनौती देना कि अब मेरा नमक है, हम खुद बनाएंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी खिलाफ जो है, अंग्रेज के खिलाफ जो है ना, एक बहुत बड़ा क्रांति कह सकते हैं इसको, आप बहुत बड़ा आंदोलन कह सकते हैं, नमक आंदोलन, नमक जो आंदोलन हुआ था ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं हुआ था, नमक बनाकर गांधी जी साबित कर दिए कि देश हमारा तो राज हमारा होगा, तुम्हारा नहीं होगा। अंग्रेज को खुली चुनौती मिल गया इससे, और उसी के बाद जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ, दांडी यात्रा के जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। और नमक का जब बना के दिए ना तो सभी जनता इसे खुश हो गए, क्योंकि सब जनता को जो थी और सब जनता इसे प्रताड़ित हो रहे थे, सब जनता को ये कष्ट था। तो कहीं ना कहीं सारे जनता, गरीब अमीर, किसान मजदूर मालिक, सारे लोग, पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ गवार व्यक्ति, सारे व्यक्ति मिलकर गांधी जी का सपोर्ट करने लगे, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा काम किया जो सबके हित के लिए था, नमक सबके हित में था। इससे लोगों को लगा कि नहीं, गांधी जी का साथ देना चाहिए, जब आज हमारे हित के लिए नमक बना सकते हैं तो कल हमारे हित के लिए और भी कुछ हो सकता है और हमारा देश आज़ाद निश्चित रूप से होगा। इसीलिए सब लोग साथ देना शुरू किए और सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा बड़ा जन आंदोलन बना था। आपको पता नहीं, इतिहास में सबसे पहला जन आंदोलन जो बना, सबसे विशाल आंदोलन जो बना, वह था क्या,
असहयोग आंदोलन सबसे पहला जन आंदोलन था। दूसरा नंबर बना था क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी यात्रा के जस्ट बाद हुआ था भारत में 1930 में इसका आरंभ हुआ था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज को सत्ता हिलाने की बात हो रही थी यहाँ पे, कि अंग्रेज की सत्ता अब हिलेगी, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, उसका पूरा पत्ता कट चुका है, ये तय हो गया यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ बैठो, वो आगे बैठो,